बिग बॉस की टीआरपी आ चुकी है और ये वो हफ्ता है जब राहुल वैद्य घर के अंदर नहीं थे। बहुत सारे फैंस ने इस बात का दावा किया था कि वो जो है बिग बॉस नहीं देखेंगे, तो क्या ऐसे में उस हफ्ते की टीआरपी आई या नहीं आई? क्या कहती है टीआरपी रिपोर्ट, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो टीआरपी रिपोर्ट, सबसे पहले मैं पिछले हफ्ते की आपको याद दिला दूं, पिछले हफ्ते वीक डेज की 1.2 थी और वीकेंड की 1.8 थी। तो ये थी पिछले हफ्ते की टीआरपी। इस हफ्ते की टीआरपी की अगर मैं बात करूं तो ये वो हफ्ता था जब विकास ने अर्शी को स्विमिंग पूल में धक्का दिया, राहुल वैद्य घर के अंदर नहीं थे, ये सारी हैपनिंग हुई थी। यानी कि टीआरपी बढ़ाने के लिए हर वो चीज हुई जिससे टीआरपी की चार्ट में शो ऊपर आ जाए। तो अब जो टीआरपी आई है वो वीक डेज की 1.3 है और वीकेंड की टीआरपी 1.6 है। यानी कि वीक डेज में, जी हाँ वीक डेज में इस शो को बहुत ज्यादा देखा गया पिछले हफ्ते के मुकाबले। पिछले हफ्ते 1.2 था और इस हफ्ते 0.1 से 1.3 हुआ। वहीं वीकेंड पर टीआरपी 0.2 से कम हुई है। ये वो वाला वीकेंड था जब अर्शी को डांट पड़ी थी, विकास क्यों निकला, आपने क्या क्या किया, इन सारी चीजों को लेकर जो है जो डांट पड़ी थी उसकी ये टीआरपी है। उस हफ्ते कोई एविक्शन नहीं हुआ था। तो राहुल वैद्य के जाने के बाद जो है वीकडेज की टीआरपी, वीकडे में लोगों ने शो देखा 0.1 से बढ़ी, लेकिन इसको भी हम एवरेज टीआरपी कहेंगे। वीकेंड की टीआरपी जो है वो 1.6 है, इसको भी अबव एवरेज टीआरपी कहेंगे। इनमें से कोई भी टीआरपी जो है गुड टीआरपी नहीं है, लेकिन इस हफ्ते जो टीआरपी रिपोर्ट आई है, इस साल का वीक 50 का रिपोर्ट, वो यही कहता है कि बिग बॉस का शो जो है वो एवरेज पर बना हुआ है। कभी उसका अबव एवरेज हो जाता है, लेकिन एवरेज पर ये शो बना हुआ है। और ये माना जा रहा था कि आईपीएल खत्म होने के बाद इसकी टीआरपी बढ़ेगी, तो आईपीएल खत्म होने के बाद 0.2 और 3 से ये टीआरपी जो है बढ़ी है। तो बिग बॉस के इस हफ्ते की टीआरपी जो है वीकडे की 1.3 और वीकेंड की 1.6 आई है।